जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको मल्टी थ्रेडिंग का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। उसका नेम क्या है, व्हाट इज थ्रेड लाइफ साइकिल। थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होता है, इसका प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाता है थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में या फिर इंटरव्यू में, तो आपको पूरा लाइफ साइकिल ड्रॉ करके दिखाना होता है। तो आंसर क्या होगा, एज वी नो अ थ्रेड इज़ वेल नोन फॉर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं थ्रेड क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है। थ्रेड इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता है। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड कैन मूव फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। थ्रेड अपने पूरे लाइफ साइकिल में यानी जीवन काल में कुछ अलग अलग स्टेट से गुजरता है। जैसे पहला स्टेट होता है न्यू स्टेट, इसे आप बोर्न स्टेट भी कह सकते हैं। सेकेंड होता है रनेबल स्टेट, जिसे आप रेडी स्टेट भी बोल सकते हैं। थर्ड होता है रनिंग स्टेट, यहाँ पे थ्रेड एग्जीक्यूट होता रहता है, एग्जीक्यूशन स्टेट। फोर्थ होता है हमारा वेटिंग स्टेट, इसे आप ब्लॉक्ड स्टेट कह सकते हैं, सेकेंड नाम है। और लास्ट होता है डेड स्टेट, जिसे आप एग्जिट भी बोल सकते हैं। तो ये 5 स्टेट्स हैं, कोई भी थ्रेड अगर हम बनाते हैं तो इन 5 स्टेट से उसे गुजरना पड़ता है। तो अभी जब भी इंटरव्यू में थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जाता है, तो आपको फिगर के थ्रू ड्रॉ करके दिखाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारा पहला स्टेट क्या होता है थ्रेड का, बोर्न स्टेट, ठीक है। बोर्न स्टेट में हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड से किसी भी थ्रेड को क्रिएट करते हैं। तो मान लो यहाँ पर मैंने एक थ्रेड क्रिएट करा जिसका नेम है टी, ठीक है। ये टी नाम का थ्रेड हमने न्यू कीवर्ड से क्रिएट करा, तो थ्रेड का जन्म होता है बोर्न स्टेट में यानी न्यू स्टेट में। उसके बाद जो भी थ्रेड हमने क्रिएट करा है बोर्न स्टेट में, हमें क्या करना होता है, उसे स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो अभी थ्रेड जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, वो थ्रेड किस स्टेट में चला जाता है, थ्रेड हमारा चला जाता है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट मतलब रनेबल स्टेट में। तो रनेबल स्टेट में थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी वो रनिंग स्टेट में नहीं गया है। रनिंग स्टेट में वो कब जाएगा, यहाँ पे होता है हमारा थ्रेड शेड्यूलर। जब तक थ्रेड शेड्यूलर इस थ्रेड को सेलेक्ट नहीं करेगा, थ्रेड हमारा रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा। मान लो थ्रेड शेड्यूलर ने हमारे थ्रेड टी को सेलेक्ट कर लिया, तो अभी थ्रेड कहाँ पे आ जाएगा, अभी थ्रेड आएगा यहाँ पे रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट में थ्रेड आ गया, इसका मतलब थ्रेड अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो थ्रेड पूरी तरह से अगर एग्जीक्यूट कर जाएगा, थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा मतलब वो रन मेथड को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर रहा। मान लो हमारा टी नाम का थ्रेड रन मेथड को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर चुका है रनिंग स्टेट में, तो अभी वो थ्रेड कहाँ चला जाएगा, वो थ्रेड चला जाएगा हमारा डेड स्टेट में। अपने आप पूरी तरह से जब थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो डेड स्टेट में चला जाएगा। और मान लो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, आधा एग्जीक्यूट हुआ है, और उसे हमें डेड स्टेट में ले जाना है, तो हमें क्या करना होगा, टी डॉट स्टॉप लिखना होगा। स्टॉप एक मेथड होता है, जैसे ही हम थ्रेड के साथ स्टॉप मेथड को कॉल करेंगे, उसी टाइम पर हमारा थ्रेड रनिंग स्टेट से डेड स्टेट में चला जाएगा। अभी एक और यहाँ पे स्टेट होता है, उसका नेम क्या है, ब्लॉक्ड स्टेट, ठीक है, BLOCKED, ब्लॉक्ड स्टेट। थ्रेड कोई भी थ्रेड ब्लॉक स्टेट में कब आता है, कोई भी थ्रेड ब्लॉक स्टेट में रनिंग स्टेट से आता है। तो रनिंग स्टेट से थ्रेड ब्लॉक स्टेट में कब जाएगा, अगर मान लो हम अपने थ्रेड के साथ टी डॉट जॉइन मेथड को अगर हम कॉल कर देते हैं, तो वो थ्रेड ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा। अगर उसी टाइम पे उसी थ्रेड में हम स्लिप मेथड को कॉल कर दें, तो वो थ्रेड ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम थ्रेड में क्या करें, वेट मेथड को कॉल कर दें, तो हमारा थ्रेड कहाँ चला जाएगा, ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। एक और मेथड होता है, अगर हम अपने थ्रेड के साथ सस्पेंड मेथड को कॉल कर दें, तभी भी हमारा थ्रेड रनिंग स्टेट से ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। अगर कोई थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है और इनमें से आप कोई भी मेथड कॉल कर देंगे थ्रेड के साथ, तो वो थ्रेड हमारा ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा, यानी वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अभी थ्रेड वेटिंग स्टेट में आ चुका है, तो थ्रेड वेटिंग स्टेट में आने के बाद वो थ्रेड रेडी स्टेट में जाएगा, ठीक है। रेडी स्टेट में आएगा, अभी थ्रेड रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। अब फिर से अगर
जो थ्रेड ब्लॉक स्टेट में गया था रनिंग स्टेट से, अब वो रेडी स्टेट में है। अगर थ्रेड शेड्यूलर फिर से उस थ्रेड को सेलेक्ट करता है तब वो फिर अगेन रनिंग स्टेट में आएगा। अगर हम थ्रेड में सस्पेंड मेथड को कॉल करते हैं तो थ्रेड यहीं पे सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंडिंग स्टेट में रुक जाएगा। उसे फिर से स्टार्ट करने के लिए हमें उसी थ्रेड में एक और मेथड होता है रिज्यूम मेथड। हमें इस रिज्यूम मेथड को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, और ये सिर्फ सस्पेंड मेथड के साथ इसे अप्लाई करना है, तब थ्रेड हमारा ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में आएगा। बाकी जॉइन मेथड, स्लिप मेथड और वेट मेथड के केस में थ्रेड अपने आप ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में चला जाएगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो आप यहाँ पे देंगे। अगर टाइम पीरियड नहीं देंगे तो वो अपने आप ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में चला जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे स्लिप मेथड में हमने 1000 मिली सेकेंड का टाइम पीरियड दे दिया तो हमारा थ्रेड एक सेकेंड के लिए यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद अपने आप रेडी स्टेट में चला जाएगा। तो अगर इंटरव्यू में आपसे थ्रेड लाइफ साइकिल पूछे तो आपको सेम यही चीज़ ड्रॉ करके उन्हें एक्सप्लेन करनी है। अगर आप इतना एक्सप्लेन कर देंगे ना, आपसे एक भी क्वेश्चन थ्रेड लाइफ साइकिल से और इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा। अगर आपको समझ में आया हो हमारा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो का जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप थ्योरी का नोट्स वहाँ पे ले सकते हैं। जावा में जो भी थ्रेड होता है ना वो JVM के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। JVM कभी भी डायरेक्टली किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता, वो क्या करता है थ्रेड के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। जैसा कि हर एक प्रोग्राम में हम जानते हैं मेन थ्रेड होता है, तो उसी मेन थ्रेड के थ्रू JVM क्या करता है हमारे प्रोग्राम को स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करता है। थ्रेड लाइफ साइकिल का सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, थ्रेड को हम क्रिएट करते हैं तो वो बोर्न स्टेट में होता है। थ्रेड क्रिएट हो जाने के बाद उसे रेडी स्टेट में लाने के लिए हमें थ्रेड को स्टार्ट मेथड के थ्रू स्टार्ट करना होता है। तो जैसे ही हम स्टार्ट कर देते हैं वो सेकेंड स्टेप में आ जाता है रेडी वाले स्टेट में। तो यहाँ पे थ्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन थ्रेड अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है क्योंकि थ्रेड शेड्यूलर ने उसे सेलेक्ट नहीं किया है। मान लो थ्रेड शेड्यूलर ने थ्रेड को सेलेक्ट कर लिया तो वो थर्ड स्टेप में आएगा। यहाँ पे थर्ड स्टेज में क्या होगा, वो थ्रेड रनिंग स्टेट में रहेगा, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। थ्रेड एग्जीक्यूट करने के दौरान ब्लॉक्ड स्टेट में जा सकता है, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा। ठीक है, ब्लॉक स्टेट में कब जाएगा, जब इनमें से कोई भी मेथड हम रन मेथड के अंदर कॉल कर देंगे थ्रेड के साथ, तब वो ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। फिर से वो अपने आप रेडी स्टेट में आएगा और रनिंग स्टेट में थ्रेड शेड्यूलर फिर से लाएगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेट क्या होता है कि थ्रेड पूरी तरह से अगर एग्जीक्यूट कर गया है तो वो यहाँ पे डेड स्टेट में आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्रिएट करना है, स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट मेथड से रेडी हो जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। थ्रेड शेड्यूलर उसको रनिंग स्टेट में ला देगा। रनिंग स्टेट में इन सभी मेथड को अप्लाई करेंगे, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद फिर से रेडी स्टेट में आएगा, थ्रेड शेड्यूलर पिक करेगा रनिंग से। पूरी तरह से रन मेथड एग्जीक्यूट करने के बाद वो थ्रेड डेड हो जाएगा। अगर स्टॉप मेथड कॉल कर देंगे तो रन होते होते आधे में ही डेड हो सकता है।